नमस्कार, वेलकम टू आवर चैनल ड्रीम डेस्टिनेशन। आज के इस एपिसोड में हम आपको लेकर के आए हैं स्टैचू ऑफ यूनिटी। मेरे पीछे आपको सरदार वल्लभ भाई पटेल की एक ह्यूज स्टैचू दिखाई दे रही है। दिस स्टैचू इज टॉलेस्ट इन द वर्ल्ड। इसकी हाइट है 182 मीटर्स। और अभी हम जाएंगे और इसके अंदर जो बाकी और सारी चीज़ें हैं वो हम आपको दिखाने वाले हैं। तो चलिए, लेट्स हैव अ विजिट स्टैचू ऑफ यूनिटी, जो हम सभी भारतीयों के लिए एक गौरव का प्रतीक है। तो आज हम लोग जा रहे हैं केवड़िया स्टैचू ऑफ यूनिटी देखने के लिए। और वी स्टार्टेड फ्रॉम नवी मुंबई और वी हैव ऑलरेडी बुक्ड अ टेंट इन द टेंट सिटी, नर्मदा टेंट सिटी। और आगे की जानकारी और आगे की जो भी इंफॉर्मेशन है वो हम आपको टाइम टू टाइम देते रहेंगे। सो लेट्स गो एंड एक्सप्लोर गुजरात दिस टाइम। Now we are reaching our first destination in Gujarat, and that is Kevadia Statue of Unity. Statue of Unity किस तरह से आसमान की बुलंदियों को छूती हुई प्रतिमा हम सभी भारतीयों के लिए एक गौरव का प्रतीक है। Wow, amazing! ये प्रतिमा जो है वो फेसिंग टुवर्ड्स नर्मदा डैम, यहाँ से सामने ही नर्मदा डैम है, सरदार सरोवर डैम जिसको हम कहते हैं, तो ये उसी तरफ को फेस करती हुई ये प्रतिमा है। और अब हम जा रहे हैं नर्मदा टेंट सिटी। वी हैव ऑलरेडी बुक्ड टेंट ओवर देयर, सो आज हम वहीं रुकेंगे और दिन भर हम इस जगह और इसके आसपास की जगहों को एक्सप्लोर करेंगे और आपको भी दिखाएंगे व्हाट ऑल places are there to visit in this area, Kevadia। जैसे जैसे हम पास आ रहे हैं वैसे वैसे इसकी ऊंचाई और ऊंची होते जा रही है। And the height of this statue is 182 meters। और फिर से मैं आपको बताऊं, ये दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा। फिर से देखिए सामने से, ये पूरी प्रतिमा एक साथ आपको दिखाई देगी। Now we are going towards Narmada Tent City और हमने already इसको book कर रखा है, online book कर लिया था क्योंकि online booking is always better। यहाँ पर आने के बाद आपको थोड़ी दिक्कत हो सकती है। Tent City enter करते ही आपका इस तरह से स्वागत किया जाता है ढोल बजा करके, और यहाँ पर आपको आपकी ज़रूरत के हिसाब से different categories में tents available हैं। जैसी आपकी requirement है उसी हिसाब से आप यहाँ पर tent book कर सकते हैं और ये सारी information आपको ऑनलाइन मिल जाएंगी। तो जैसी आपकी ज़रूरत है उस हिसाब से आप देख करके यहाँ पे बुकिंग कर सकते हैं। नाउ वी हैव रीच्ड अ टेंट नंबर 502, लेट अस गो इनसाइड नाउ। और ये देखिए आप, तो गुड, तो कूल, वेयर इज द वॉशरूम, ओके। These tents are AC air conditioned। और अभी तो गर्मी है लेकिन AC on कर दिया है मैंने। Okay, this side is your washroom। So, I'm just opening it। Change। Come inside to show beautiful it is। This is a huge bathroom। This side is Isn't it good? Yes, yes, perfectly fine. Okay. Now we are at Tent City और अब हम लंच करने जा रहे हैं। And there's so much variety, मैंने पूरा टेबल सजा दिया है।
उसमें कढ़ी है, आलू की सब्जी, दाल, रायता, पनीर, कढ़ी। कढ़ी बहुत दिनों से हम दो तीन दिन से सोच रहे थे कि अहमदाबाद पहुँचेंगे या गुजरात पहुँचेंगे तो गुजराती कढ़ी खाएंगे। तो अभी वी आर गोइंग टू हैव अ लंच और आपसे लंच के बाद। तो अब हम जा रहे हैं स्टैचू ऑफ यूनिटी की तरफ और आपको अपने टाइम स्लॉट के हिसाब से यहाँ पर जाना है, उसी टाइम पर आपको यहाँ पर एंट्री मिलेगी। ये जगह ग्राम केवड़िया में है। इस जगह पर और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हम आज के इस एपिसोड में देखने वाले हैं और साथ ही साथ आपको दिखाएंगे। स्टैचू ऑफ यूनिटी का जो एंट्री टिकट है दैट इज़ 380 रुपीज़ पर हेड और इसमें आपको व्यूइंग गैलरी मतलब जो ऊपर जो वल्लभ भाई पटेल का जो चेस्ट एरिया है वहाँ पर एक व्यूइंग विंडो बनी हुई है जिससे हमको सामने सरदार सरोवर डैम का व्यू मिलता है, वो भी कवर है। तो अगर आप ये वाला टिकट लेते हैं तो इसके साथ आपको अलग से एंट्री टिकट लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ये बात ध्यान रखिएगा। तो यहाँ आने के बाद अगर आप अपनी गाड़ी से आ रहे हैं तो गाड़ी पार्क करके आप यहाँ की जो लोकल बसेज हैं वो यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए हम आज आपको दिखाते हैं स्टैचू ऑफ यूनिटी। स्टैचू ऑफ यूनिटी आने के लिए आप एक बात का और ख्याल रखें कि टिकट्स आप ऑनलाइन ही बुक करके आएँ, क्योंकि अभी बिकॉज ऑफ कोविड देर इज़ नो ऑफलाइन काउंटर फॉर द टिकट्स। सो ऐसा ना हो कि आपने टिकट नहीं बुक किया ये सोच करके कि आप वहाँ पर ले लेंगे, देन यू विल बी डिसअपॉइंटेड। और एंट्री गेट के बाद ये आगे तक जाने के लिए एक ईजी पाथवे बनाया गया है जहाँ पर आप खड़े होकर के एंड यू कैन मूव फॉरवर्ड। और स्टैचू ऑफ यूनिटी का जो मेन एंट्री है जहाँ से आप म्यूज़ियम के अंदर जा कर के वहाँ का पूरा नज़ारा देख सकते हैं, ये आपको 150 के टिकट में भी आपको एक्सेस मिलेगी यहाँ पर। लेकिन व्यूइंग गैलरी अगर आपको जाना है तो जैसा कि मैंने आपको बताया वो 380 रुपीज़ के टिकट में आप देख सकते हैं। गंभीर सौम्य मुद्रा पटेल साहब की, आँखों में दृढ़ संकल्प और विश्वास की चमक, ऊपर जो बड़ी प्रतिमा लगी है ये इसका छोटा रूप है और एग्जैक्टली यही स्टैचू ऊपर अभी हम आपको दिखाएंगे, सरदार वल्लभ भाई पटेल की स्टैचू ऑफ यूनिटी। और इसका निर्माण हुआ था, कुछ स्टार्ट किया था 2013 में, लेकिन इसका इनॉग्रेशन 2018 31 अक्टूबर को किया गया था बाय आवर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर मिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। ये पीछे लिफ्ट है जिसके द्वारा हम व्यूइंग गैलरी में जाएंगे और वहां से हम सरदार सरोवर डैम को भी डायरेक्ट देख पाएंगे। सरदार सरोवर डैम सामने और ये जो प्रतिमा है उसमें एक चेस्ट रीजन पर जो है ये व्यूइंग गैलरी बनी हुई है जहाँ से आप सामने सरदार सरोवर डैम का व्यू देख सकते हैं। और इस समय डैम में पानी नहीं है इसलिए व्यू इज़ लिटिल डिफरेंट, लेकिन जब पानी गिरता है ऊपर से इस डैम से तो बहुत ही डिफरेंट व्यू और बहुत ही सुंदर नज़ारा होता है। व्यूइंग गैलरी से ऊपर का नज़ारा देखने के बाद अब हम नीचे म्यूज़ियम को भी देख रहे हैं और यहाँ पर पटेल साहब के जीवन से रिलेटेड आपको बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन मिलेगी जो स्वतंत्रता के इसके समय बहुत सारे ऐसे काम उन्होंने किए थे देश को जोड़ने का, देश की एकता और अखंडता के लिए उनके किए गए प्रयासों को यहाँ पर एग्जिबिट किया गया है। और एक छोटा सा थिएटर भी है जहाँ पर ऐसी मूवीज़ चलती हैं जहाँ पर आप उनके जीवन से संबंधित मूवीज़ को देख सकते हैं। ये काफ़ी खूबसूरत जगह थी और यहाँ पर बहुत सारी
पेंटिंग्स और इस तरह के सुंदर सुंदर चित्र थे, कुछ एनिमल्स के, बर्ड्स के। ये वो सारी चीज़ें थी जो इस एरिया में पॉपुलर हैं या इस एरिया में पाई जाती हैं, वो बर्ड्स, वो एनिमल्स, गुजरात की पहचान। सो जब भी आप आएँ तो थोड़ा समय निकाल करके ताकि आप इन सब चीज़ों का आराम से मज़ा ले सकें। म्यूज़ियम देखने के बाद अब हम लोग ऊपर जा रहे हैं स्टैचू ऑफ यूनिटी देखने के लिए। हालांकि वो तो बहुत दूर से दिखाई दे रही है, मगर अब हम एक्चुअल जगह पर जा रहे हैं और 3 लेवल क्रॉस करने के बाद, एस्केलेटर से होने के बाद आप उस जगह पर पहुंचते हैं जहां पर वो विशाल प्रतिमा, पटेल जी की वो सुंदर और अद्भुत प्रतिमा लगी हुई है। और ये देखिए ये विशाल पैर और ये पूरी प्रतिमा, यदि आप एक साथ देखने की कोशिश भी करते हैं तो शायद वो पॉसिबल नहीं होता है। ये कुछ इस तरह से दिखता है जब आप नीचे खड़े होते हैं, और ये इसकी विशाल परछाई, बहुत अद्भुत। बाहर आने के बाद आप इस रेस्टोरेंट में, जो काफ़ी बड़ा है, यहाँ पर कुछ देर रुक करके खा पी सकते हैं, रिलैक्स कर सकते हैं। और ये सामने वो दीवार जो एक भारत श्रेष्ठ भारत का संदेश देती हुई हमें नज़र आती है, वॉल ऑफ यूनिटी। जैसा कि मैंने बताया था कि आप यहाँ की बसेस या बस फैसिलिटी को अवेल कर सकते हैं आसपास के एरिया को घूमने के लिए। गाड़ी पार्क कर दीजिए और अपनी बसेस के द्वारा आप आसपास घूम सकते हैं। ये सामने जंगल सफारी का गेट है। एक्चुअली वी फॉरगॉट टू बुक दी टिकट, और सिर्फ ऑनलाइन टिकट्स ही अवेलेबल हैं आजकल, तो वी मिस दिस प्लेस, हम अंदर नहीं जा पाए। अब हम जा रहे हैं वैली ऑफ फ्लावर की तरफ, जो कि एक बहुत ही सुंदर पार्क है जहाँ पर बहुत सारे रंग बिरंगे सुंदर फूल हैं, और इसके साथ ही काफ़ी ग्रीनरी है, बहुत सारे वैरायटीज़ के यहाँ पर प्लांट्स हैं जो आप आराम से फुर्सत से जा कर के देख सकते हैं, थोड़ा टाइम यहाँ बिता सकते हैं, ट्रेल वॉक कर सकते हैं। ये एक ट्रेल है जहाँ पर आप नेचर वॉक कर सकते हैं। यहाँ से गार्डन से भी आपको वो सामने स्टैचू ऑफ यूनिटी का सुंदर नज़ारा दिखाई देता है। एंड नाउ दिस इज द मोस्ट फेवरेट प्लेस, द सेल्फी पॉइंट, जहाँ पे हर कोई जा कर के अपनी एक फ़ोटो ज़रूर खिंचवाना चाहता है। एंड सामने आपको जो दिख रहा है बोर्ड, दैट इज़ यूनिटी ग्लो गार्डन, और ये अभी हालांकि ग्लो नहीं कर रहा है, लेकिन हम यहाँ पर रात को भी आएंगे देखने के लिए कि ये किस तरह से ग्लो करता है, ग्लो गार्डन। यहाँ से कुछ देर के बाद, हम अंधेरा होने के बाद जाएंगे स्टैचू ऑफ यूनिटी की तरफ वापस, क्योंकि हमने लेज़र शो की टिकट बुक कर रखी है, सो वी विल वॉच लेज़र शो। सो अब हम वेट कर रहे हैं लेज़र शो का, जो कुछ ही मिनटों में शुरू होने वाला है, और आप अगर उसके लिए जाते हैं तो टाइम से पहुंच जाइए, क्योंकि रश काफ़ी हो जाता है तो सीट मिलना थोड़ा मुश्किल हो जाता है।
उस सरदार का सपना केवल सरकार बनाना नहीं था, उनका स्वप्न तो था एक ऐसे नए भारत का, जहां हर रंग, हर रूप, हर जात, मजहब, तबके का हिंदुस्तानी एक साथ मिलकर एक ऐसा नया भारत बना सके, जहां पूर्ण स्वराज के साथ सारे समाज को गरीबी, अशिक्षा, छुआछूत से भी आजादी मिल जाए। तो ये है ग्लो गार्डन, जो मैंने बताया था आपको कि रात में ग्लो करता है। एंड दिस इज़ ग्लोइंग सो ब्यूटीफुली, और ख़ास तौर से बच्चों के लिए तो ये बहुत ही खूबसूरत जगह है। बच्चे यहाँ आकर के बहुत इंजॉय करते हैं। एंड दिस इज़ सरदार सरोवर डैम, जो रंग बिरंगा रोशनी से भरा हुआ सरदार सरोवर डैम। लेजर शो देखने के बाद अब हम वापस अपने टेंट सिटी आ गए हैं एंड वी आर गोइंग फॉर डिनर। और डिनर वॉज वेरी टेस्टी, और मैं थोड़ा सा चेंज चाहती थी इसलिए आई जस्ट हैड नूडल्स। और डिनर के साथ एक बहुत ही खूबसूरत शाम का भी आयोजन था, जहां पर एक लोकल आर्टिस्ट को बुलाया था और जिन्होंने अपने खूबसूरत गानों से हम सभी का मनोरंजन किया। इसके साथ ही टेंट सिटी में एक कल्चरल प्रोग्राम भी ऑर्गेनाइज किया गया था, और जहां पर कुछ जो ट्रेडिशनल डांसर्स थे उन्होंने अपने सुंदर डांसेस से हम सभी का मनोरंजन किया, और ये कुछ जो गेस्ट थे उन्होंने अपना खुद मनोरंजन किया। और एज वी नो कि जहां भी इस तरह की म्यूज़िक बजती है तो गरबा, स्पेशली जो गुजरातीज हैं, दे इंजॉय गरबा डांस। आर फ्यू डांसर्स जो अभी कुछ ही देर में यहाँ पर डांस करने वाले हैं। सिटी में आज हम हैं, कल हम आए थे यहाँ और आज रुके हैं, एक सेकंड भैया। और अब हम इस कार्ड के बाद हम पूरा एरिया देखते हैं कि वह कौन सी जगह है। स्टैचू ऑफ यूनिटी के पास ये डाइनो ट्रेल है, जहाँ पर आप वॉक कर सकते हैं, और बच्चों को यहाँ बहुत मज़ा आता है क्योंकि डायनासोर की आवाज़ उनको सुनने को मिलती है। तो ये थोड़ा सा एक डिफरेंट एक्सपीरियंस होगा। बहुत ही बड़े बड़े ये दो तीन डायनासोर्स बना रखे हैं, और जिनमें से आवाज़ें भी आती रहती हैं, तो बच्चों को थोड़ा बहुत एक्साइटिंग लगता है यहाँ पर आकर। ये पास में एकता मॉल, विच इज़ यूनिटी इन हैंडीक्राफ्ट डाइवर्सिटी, आपको भारत के अलग अलग प्रांतों की चीज़ें यहाँ पर आप खरीद सकते हैं। यहाँ पर एक बस स्टैंड है जहाँ पर एवरी 15 मिनट्स यू विल गेट दी बसेस। और ये जो सामने दिखाई दे रहा है, दिस इज़ अ बजट होटल, जहाँ पर आप कम पैसों में स्टे कर सकते हैं। और ये वो स्टेशन है विच इज़ नोन एज केवड़िया,
और यहाँ पर ट्रेन्स आती हैं, यदि आप ट्रेन से केवड़िया आना चाहते हैं तो आप यहाँ पर आकर के और फिर इस जगह से आप स्टैचू ऑफ यूनिटी के लिए बस ले सकते हैं। अच्छा गुड नारी शक्ति, क्या नाम है आपका? प्रेमिका। प्रेमिका प्रमिला से मैंने कहा ये प्रमिला, और पेट्रोल पंप में ब्यूटीफुली हैंडलिंग एवरीथिंग एज यू कैन सी। बाय बाय प्रमिला। स्टैचू ऑफ यूनिटी का हमारा ये सफ़र अब यही ख़त्म होता है। अब हम यहाँ से निकल रहे हैं टूवर्ड्स राजकोट, और आज हमारा स्टे होगा राजकोट में। इस समय सुबह के 10:30 बजे हैं और बस अब हम स्टार्ट करने वाले हैं अपनी जर्नी। सो गुजरात के एक ऐसे ही और खूबसूरत लोकेशन पर हम आपसे अपने अगले एपिसोड में मिलेंगे। तब तक चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। दिस इज़ योर होस्ट अर्चना श्रीवास्तव साइनिंग ऑफ। अपना और अपने परिवार का बहुत ख्याल रखें। Take care. Bye-bye.